फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी क्रंची इमरती की रेसिपी। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और चलिए तो मैं बताती हूँ आपको, तोड़ के दिखाती हूँ कितनी अच्छी बनी है, कितनी क्रिस्पी बनी है। तो यहाँ पे मैं साउंड म्यूट नहीं की हूँ, आप देख सकते हैं आवाज़। और जब इमरती बनाने की बारी आती है तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं अच्छी बनेगी कि नहीं, कैसी बनेगी, तो बहुत लोग घबराते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है और एकदम परफेक्ट तरीके से मैं बताऊंगी और टिप्स और ट्रिक के साथ, तो आपकी इमरती एकदम लाजवाब बनेगी। तो अभी छुट्टियां हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो आप घर में रखी चीज़ों से ही कम चीज़ों में आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे बनाया है मैंने और उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई लिया है, उसके अंदर मैंने चीनी डाल दिया है। जितना चीनी लेंगे उतना ही पानी लेना है, वन बाउल लिया। यहाँ पे मैंने इलायची लिया, उसको कूट के मैंने ले लिया है और इसको गैस पे चढ़ा दिया है और अच्छे से इसको मैं पका रही हूँ। और यहाँ पर मुझे चाशनी को जो है एक तार नहीं बनाना है, हल्का सा तार, चिपचिपा सा होना चाहिए और बहुत अधिक नहीं। बस हमको इसको चीनी इसकी पिघल जाए, उसके बाद इसको हमको 5 से 7 मिनट पकाना है। और जो हमने यहाँ पे जो हमने केसर वाला दूध लिया था वो मैंने डाल दिया है यहाँ पे। और उसको डालने के बाद, और फिर यहाँ पे आप फूड कलर भी डाल सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा होना चाहिए। तो आप देखिए, इस तरह का हल्का सा एकदम तार आना चाहिए, बहुत अधिक तार वाला नहीं चाशनी चाहिए, नहीं तो फिर चाशनी के अंदर इमरती के अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये कॉर्नफ्लोर है और इसको हम डालेंगे। और ये मैंने केसर दूध में भिगो के डाला है। 1 बाउल मैंने वाटर लिया है, 1 बाउल यहाँ पे मैंने शुगर लिया है, ये घी तलने के लिए लिया है। और यहाँ पे मैंने 1 पिंच जो है मैंने यहाँ पे सोडा लिया है खाने वाला, और 1 पिंच कलर लिया है ऑरेंज फूड कलर, और इतनी सारी चीज़ें चाहिए। और 1 बाउल मैंने यहाँ पे उड़द दाल लिया है, और ये उड़द दाल आसानी से आपके घर में अवेलेबल होती है। तो ये उड़द दाल को हमको अच्छे से धो लेना है। अच्छे से धोने के बाद इसको हमें 3 से 4 घंटे तक भिगोना है। 3 से 4 घंटे भिगोने के बाद फिर हम इसको छान लेंगे, पहले हम इसे भिगो देंगे। तो यहाँ पे मैंने भिगो लिया है, छान दिया है मैंने यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं मैंने इसको छान के इसका पानी निकाल दिया है। और यहाँ पे मैंने इसको लिया, अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो एक ग्राइंड जार लेंगे हम, जार के अंदर इसको डालेंगे। इसमें हमें ज़्यादा पानी नहीं रखना है, 1 से 2 चम्मच ही डालना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें स्मूथ पेस्ट बना लिया है। आप देखिए, एकदम इस तरह का पेस्ट हमें रखना है, स्मूथ। उसमें मतलब ज़्यादा वैसा नहीं होना चाहिए, दरदरा नहीं होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। तो अब हमने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब यहाँ पे जो मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था वो यहाँ पे डालूँगी। कॉर्नफ्लोर डालने से हमारे जो इमरती होती है बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो आप यहाँ पे अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा है। उसको डालने के बाद फिर हम इसमें जो फूड कलर लिए हैं वो ऐड करेंगे। और उसके बाद मैं अच्छे से इसको हमके हमको जो है मिक्स करना है। और बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद, जब तक ये एकदम हल्का नहीं हो जाए तब तक हमको इसको मिक्स करना है। फिर इसको टेस्टिंग के लिए हमें क्या करना है, एक बाउल में पानी लेना है और हमें उसमें डाल के देखना है। अगर ये ऊपर आ जाता है, जैसे कि दही बड़े बनाते हैं और हम करते हैं टेस्ट, उसी तरह से ही इसको भी करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी इसको अच्छे से फेंट लिया है। और ये इस तरह से होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। अगर गिरेगा मतलब कि अभी नहीं हुआ है आपका। तो अब मैं आपको बाउल में डाल के दिखाती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने देखिए डाल दिया है और ये ऊपर आ गया है, मीन्स कि हमारा बैटर रेडी हो गया है। तो अब इसको हम एक उसमें भर लेते हैं। तो आप यहाँ पे अगर आपके पास जलेबी बनाने वाला नहीं है तो आप इस तरह की दूध की थैली का इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइपिंग बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास भी अवेलेबल नहीं था सब चीज़ें, तो मैंने दूध की थैली का यूज़
यूज़ किया है यहाँ पे, इससे भी बहुत अच्छा बनता है, आसानी से आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बनाने में। तो आप देख लीजिए, मैं इसको एक गिलास में मैंने रख लिया है। गिलास में रखने के बाद उसके अंदर हम बैटर को फिल कर लेंगे। तो ये मैंने फिल करके रबर बैंड लगा दिया है अच्छे से, और यहाँ से हमें कट करना है, और हम बहुत ज़रा सा कट करना है, कितना बनाना है उस हिसाब से ही करना है मोटा। तो आप देख सकते हैं मैंने कट कर लिया है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर मैंने घी गरम कर लिया था। अब पहले हमने एक इमरती डाल के देख लिया है कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है कि नहीं, और हमें इसको मीडियम ही रखना है। तो अब मैं बना के देखती हूँ, तो आप देख सकते हैं अब मैं बना रही हूँ और कितनी आसानी से बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बनाने में। बस थोड़ा सा ऊपर से बनाना है ताकि हमारे, क्योंकि थोड़ा हीट होता है तो हाथों में हीट लगती है। तो बस सबसे पहले हमें क्या करना है, दो सर्कल देना है, और उसके बाद हमें छोटे 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 सर्कल करते जाना है, और जो हो गई है उसको थोड़ा साइड करके और हम डालते जाएंगे साथ में। बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, देख सकते हैं मैंने कितनी आसानी से बनाया है, बहुत ही अच्छे से, और इसके शेप डिजाइन सब बहुत अच्छा आया है। अब हम एक साइड से होने के बाद दूसरे साइड से हम पलट देंगे। ये मेरी हो गई हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने कितनी आसानी से इमरती को बना दिया है। और उसके बाद निकालने के बाद सीधे हमें क्या करना है कि हमें सीधे चाशनी में ही डालना है हमें इमरती को, क्योंकि अगर हम ठंडा करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो हमारी चाशनी रेडी करके हमें रखना है, और चाशनी अगर ठंडी हो जाती है तो उसको थोड़ा गुनगुना कर लेना है, उसके बाद इमरती को डालना है उसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए इमरती हमारी हो गई है, और मैं इसको निकाल लेती हूँ, और निकालने के बाद फिर इसको हम चाशनी में डुबा देंगे। और चाशनी में हमको इसको 2 से 3 मिनट तक डुबोना है, उसके बाद निकाल लेना है, उसके अंदर नहीं रखना है। ये देखिए रेडी हो गया है, क्योंकि अगर हम रखते हैं तो फिर जो है वो मतलब ऐसी हो जाएगी, क्रिस्पी नहीं रहेगी, सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए चाशनी के अंदर मैंने डाल दिया है अपनी इमरती को, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे डालने के बाद इसको ऐसे इस तरह से डुबा देंगे, और 2 से 3 मिनट रखेंगे, और फिर हम इसको निकाल लेंगे, और एक बार एक तरफ से होने के बाद दूसरी तरफ हम इसको पलट लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया है, उसके बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, और निकालने के बाद फिर हम सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने निकाल लिया है दूसरी प्लेट में, अब मैं सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सर्व कर लिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इमरती बहुत अच्छी बनी है, बहुत ही क्रिस्पी, और आपको मैंने दिखाया कितना क्रिस्पी बना है। तो आप ज़रूर बनाइए इस लॉकडाउन में और छुट्टियों में, इमरती का मज़ा लीजिए, और बहुत ही अच्छी बनी है। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के।